जिस प्रकार से बिहार में बड़ी मात्रा में शराब का खेप आता है, पुलिस पकड़ती भी है, उसके बाद उसका विनष्टीकरण भी होता है, शराब का विनष्टीकरण होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी के बाद जिस प्रकार से बिहार में शराब आ रही है, पुलिस प्रशासन एवं संबंधित विभाग को कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में शराबबंदी के नियम का पालन कैसे हो, इसके लिए लगातार प्रशासन प्रयास कर रहे हैं। वहीं बड़ी मात्रा में जो शराब कारोबारी हैं, जो इस व्यापार में लिप्त हैं, वो पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन तो भी जो शराब कारोबारी अपने कारनामों से बाज नहीं आते हैं। इसी क्रम में विश्वविद्यालय थाना परिसर में बड़ी मात्रा में नेपाली सोफिया का विनष्टीकरण किया गया। विश्वविद्यालय के थानाध्यक्ष सत्यप्रकाश झा के देखरेख में करीब 3200 लीटर नेपाली सोफिया शराब का विनष्टीकरण किया गया। इस अवसर पर सदर अंचल के कर्मचारी भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के रैक पॉइंट के निकट 28 बोरा में नेपाली सोफिया शराब हुआ था बरामद। शराब कारोबारी करने वाले पुलिस प्रशासन के पकड़ में भी आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग अपने कारनामों से बाज नहीं आते हैं। या तो इन्हें पुलिस प्रशासन का भय नहीं है, या ये लोग कहते हैं कि प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। प्रशासन के कानून के हाथ लंबे होते हैं, कहीं न कहीं ऐसे कारोबारी को सजा भी मिलता है। अब देखना यह है से पुलिस प्रशासन एवं संबंधित विभाग कार्रवाई कर रही है, कहीं न कहीं इस कारोबार से जुड़े लोगों को अलग होना ही पड़ेगा। कारण यह है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये यूनिवर्सिटी था ना, क्या हो रहा है यहाँ? शराब विनष्टीकरण हो रहा है। कौन सा शराब? कौन सा? नेपाली। नेपाली जैसी कहे जो कहे। कितने कांडों का है यह शराब विनष्टीकरण? वहाँ पर अच्छा, कुल कितना लीटर है? कुल लीटर है 3297 लीटर। कहाँ से आए हैं आप? हमारा जो कर्मचारी सदर अंचल। क्या नाम हुआ? जयकांत। हाँ।